हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में। हम लोगों ने वहां पर ऑप्शन स्ट्रेटजी हम लोग कैसे बनाएं इसको हम लोगों ने सीखना यहां पर स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में बात की थी वो यहां पर थी बुल कॉल स्प्रेड। हम लोगों ने वहां पर बुल कॉल स्प्रेड के बारे में सीखा था किस तरीके से हम लोग यहां पर बुल कॉल स्प्रेड को बना सकते हैं, और हम लोगों ने वहां पर 52 रुपीज़ की प्राइस पे उसको परचेस किया था, जिसकी अगर आज की प्राइस हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारा बुल कॉल स्प्रेड आज चल रहा है लगभग 74 रुपीज़ के आसपास, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो यहाँ पर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर आप उस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें से हमारे पास 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि जो एक्सेल के अंदर आपने डेटा यहाँ पर फेच किया है उसको आप बनाना सिखाएं, किस तरीके से हम लोग रियल डेटा को एक्सेल के अंदर डाल सकते हैं, एक तो वो आपका क्वेश्चन यहाँ पर था। दूसरा यहाँ पर था कि जो मार्जिन हम लोगों को लगता है अगर हम लोग यहाँ पर पुट के अंदर या कॉल के अंदर राइटिंग करते हैं तो जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगता है, तो उस मार्जिन को हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं, कहाँ से वो मार्जिन हमारे पास आ सकता है, उसको आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि पुट को या कॉल को जब आप राइट करते हैं तो कितने मार्जिन की आपको रिक्वायरमेंट रहती है वो हम लोग यहाँ पर कहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अभी ज़ेरोधा के मार्जिन कैलकुलेटर के ऊपर। आपको यहाँ पर सिंपली F&O के ऊपर क्लिक करना है, और हम लोग ये विंडो कई बार देख चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको आना है सिंपली, और यहाँ पर देखिए आपको प्रोडक्ट्स के अंदर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। हम लोगों ने पहले भी बात की थी यहाँ पर फ्यूचर वाले वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर आपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब जिस भी सिंबल के अंदर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं या स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हैं या निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको उसको यहाँ पर सिंपली पुट करना है। तो अभी हम लोग निफ्टी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने निफ्टी 29 अगस्त वाले एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लिया है। और अगर अभी हम लोग यहाँ पर किसी कॉल को शॉर्ट करते हैं तो लेट सपोज अभी हम लोग यहाँ पर 11,200 रुपये का कॉल, 11,200 की स्ट्राइक की कॉल को अगर हम लोग यहाँ पर शॉर्ट करते हैं यानी कि सेल करके चलते हैं तो हम लोगों को कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो लेट सपोज अभी हम लोगों को यहाँ पर 300 क्वांटिटी को सेल करना है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोगों को ऐड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास मार्जिन आ गए। किस पेन मार्जिन आपको 2,20,000 का चाहिए, एक्सपोजर मार्जिन आपको 1,82,000 का चाहिए, और आपने यहाँ पर जो प्रीमियम रिसीव की है वो लगभग 36,000 की प्रीमियम आपने रिसीव की है क्योंकि आपने यहाँ पर कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया है। तो टोटल मार्जिन आप लोगों को यहाँ पर चाहिए 3,62,000 का, अगर हम लोगों को 300 निफ्टी को शॉर्ट करके चलना है तो। अभी इतना मार्जिन हमारे अकाउंट में होना चाहिए, या तो कैश के फॉर्म में होना चाहिए या फिर हम लोग अपनी इक्विटी को प्लेज करते हैं उसके फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि कॉलेटरल फॉर्म में भी चलेगा। तो उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हमारे पास ये मार्जिन अवेलेबल नहीं होगा जब तक हम लोग यहाँ पर कॉल को शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। कॉल को अगर हम लोगों को बाय करना है तो सिंपली जो प्रीमियम हमारा लगा है वो हम लोगों को यहाँ पर पे करना पड़ता है, बट यदि हम लोगों को कॉल या पुट को शॉर्ट करके चलना है तो हमारे पास इतने मार्जिन्स होना ज़रूरी है। तो ये मार्जिन्स लेने के 2 तरीके हैं, या तो आप मार्जिन कैश के फॉर्म में अकाउंट के अंदर डाल के रखें, या फिर हम लोग कॉलेटरल मार्जिन्स को यूज़ कर सकते हैं। जो सिक्योरिटीज़ आपके पास ऑलरेडी है, जिस स्टॉक्स के अंदर आपने लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप उनको यहाँ पर ब्रोकर के साथ में प्लेज करके कॉलेटरल मार्जिन ले सकते हैं। वो कैसे लेते हैं अभी हम लोग उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मार्जिन अवेलेबल दिखा रहा है वो यहाँ पर दिखा रहा है 1,46,000 का, और अवेलेबल कैश के अंदर दिखा रहा है लगभग यहाँ पर 6,900 के आसपास का, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो स्टॉक का कॉलेट्रल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वो यहाँ पर 1,39,000 का लिया हुआ है। तो इसका जो टोटल मार्जिन हो गया 1,39,000 जो मैंने कॉलेट्रल मार्जिन लिया हुआ है, प्लस इसने यहाँ पर कैश को ऐड कर लिया है, तो यहाँ पर इतना मार्जिन ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है। बट अभी मुझे और मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तो मैं चलता हूँ जहाँ पर मैंने अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स जो ली हुई है या फिर मैंने यहाँ पर लिक्विड बी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वहाँ से मैं उस मार्जिन को लेकर आता हूँ, वहाँ से मैं कॉलेटरल मार्जिन को लेकर आता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर 300 निफ्टी को शॉर्ट करना है तो मुझे यहाँ पर 3-3.5 लाख के आसपास का मार्जिन चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर बैक ऑफिस के अंदर जाना है, अपने यहाँ पर पोर्टफोलियो वाले सेक्शन के अंदर जाना है, आपको होल्डिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी होल्डिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को जैसे कोटक बैंक है हमारे पास, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पर प्लेज कर सकते हैं। तो प्लेज करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लेज फॉर मार्जिन पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पर देखिए स्टॉक का जो करंट वैल्यू चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है 1,504 रुपये, और इस पर आपको एक टर्म देखने को मिल रही है यहाँ पर हेयरकट इसके ऊपर यहाँ पर 12.5%। तो अभी ये हेयरकट क्या होता है पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर।
तो जब भी आप यहाँ पर कोलेट्रल मार्जिन लेते हैं तो हेयर कट यहाँ पर एक परसेंटेज वैल्यू होती है जो डिडक्ट की जाती है टोटल मार्केट वैल्यू से। उस स्टॉक की टोटल मार्केट वैल्यू आज क्या चल रही है उसके अंदर से वो परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर डिडक्ट की जाती है, उसको हम लोग यहाँ पर हेयर कट बोलते हैं, जो हम लोग एज ए कोलेट्रल यहाँ पर यूज करते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग और इजी लैंग्वेज के अंदर समझते हैं कि अगर स्टॉक की करंट वैल्यू यहाँ पर चल रही है 100 रुपीज, तो उसके ऊपर अगर हेयर कट यहाँ पर 12.5% है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 87.5 रुपीज का मार्जिन अवेलेबल हो जाएगा एज ए कोलेट्रल, राइट। तो जैसे हमारे पास अभी यहाँ पर कोटक बैंक के 1000 शेयर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर स्टॉक की जो करंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है यहाँ पर 15 लाख के आसपास, तो उसका जो मुझे कोलेट्रल मार्जिन अवेलेबल होगा वो यहाँ पर होगा 13,16,000 रुपये के आसपास, क्योंकि उसके ऊपर जो मुझे हेयर कट देखने को मिल रहा है वो 12.5% है। अब ये जो हेयर कट का परसेंटेज है ये स्टॉक टू स्टॉक यहाँ पर वेरी करेगा कि अगर कोई स्टॉक यहाँ पर काफ़ी वोलेटाइल है तो उसके ऊपर जो हेयर कट मार्जिन है वो यहाँ पर 20% हो सकता है, 22% हो सकता है, 35% भी हो सकता है, तो ये स्टॉक टू स्टॉक यहाँ पर वेरी करेगा। और यहाँ पर बिफोर कि आप कोई भी स्टॉक को यहाँ पर प्लेज करते हैं तो उससे पहले आप यहाँ पर कुछ कंडीशंस को पढ़ लीजिए, जैसे कि आपको कॉस्ट ऑफ प्लेज कितनी लगेगी, यहाँ पर 60 रुपीज़ पर सिक्योरिटी लगेगी आपको यहाँ पर, प्लस GST आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, तो वो आप यहाँ पर बिफोर कि आप कोई स्टॉक को यहाँ पर प्लेज करें उससे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ पर रीड कर लीजिए। तो अगर मुझे सिंपली यहाँ पर 1000 क्वांटिटी को प्लेज करना एज ए मार्जिन, तो सिंपली यहाँ पर मुझे सबमिट के ऊपर करना है क्लिक और ये मार्जिन मेरे पास कल तक यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपनी जो रखी हुई सिक्योरिटीज़ है या लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज़ हम लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर प्लेज कर इस मार्जिन को ले सकते हैं। बट यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक्सचेंज का जो यहाँ पर रूल है वो ये कहता है कि आपको 50% कैश के अंदर मार्जिन रखना ज़रूरी है और 50% आप एज ए कोलेटरल मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास यहाँ पर कैश के अंदर मार्जिन अवेलेबल नहीं है तो आप फुल मार्जिन यहाँ पर कोलेट्रल का यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पर आपको सर्टेन इंटरेस्ट चार्जेस पे करना पड़ेगा जो कि बहुत यहाँ पर नॉमिनल है, राइट। तो ये अभी हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन ली है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर प्लेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ज़ेरोधा की तरफ से अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ है जहाँ पर आपको कोलेट्रल मार्जिन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए इनका हेयर कट परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए किसी स्टॉक का हेयर कट यहाँ पर जैसे कि बजाज फिनसर्व हम लोग देख रहे हैं तो 15% का हेयर कट है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर 100 रुपये का, अगर आपका स्टॉक यहाँ पर 100 रुपीज़ का है तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको 84.96 मिलेगा। वहीं अगर हम लोग देखें अदानी पोर्ट्स का तो आपको देखने को मिलेगा 87.5 रुपीज़ आपको ऐसे कोलेटरल मार्जिन यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ है उसके अंदर आप यहाँ पर कोलेटरल मार्जिन देख सकते हैं। ये सारी लिंक्स मार्जिन कैलकुलेटर से लेकर ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ की जो भी आपको लिंक है ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम लोगों ने प्रोवाइड की हुई है, आप वहाँ पर जाकर इनको बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो था हेयर कट के बारे में कि हेयर कट स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है उसको हम लोगों ने यहाँ पर समझा, मार्जिन हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं, कोलेटरल मार्जिन यहाँ पर क्या होते हैं इसको हम लोगों ने आज इस वीडियो के अंदर यहाँ पर देखा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज़ के अगले वीडियो को देखने के लिए आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।